नोएडा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए क्राइम रेस्पॉन्स टीम का गठन किया गया और इसी को लेकर हमारे संवाददाता अमित चौधरी ने डीसीपी क्राइम शक्तिमोहन अवस्थी से बातचीत की। स्ट्रीट क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक नए सेल का गठन किया और उस सेल को शक्ति अवस्थी जी देखेंगे। किस तरीके का सेल होगा, कैसे काम होगा, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या सेल बनाया गया, कैसे काम करेंगे? एक क्राइम रिस्पॉन्स टीम का गठन किया गया जिसको शॉर्ट में सीआरटी बोला गया है। इसमें अभी 5 लोगों की नियुक्ति हुई और यह स्ट्रीट क्राइम पर खास करके काम करेगी और जो भी घटनाएं हुई उनका सफल वर्कआउट करेगी। यह टीम जो थाना की टीमें हैं या जोन की टीमें हैं उनको सहायता देने के लिए और इन सभी अपराधों पर लगातार कार्रवाई करने के लिए इस टीम का गठन किया गया है जिसका मैंडेट स्ट्रीट क्राइम पे काम करना होगा। और भी लोग इसमें रखे जाएंगे, किस आपके अंडर में टीम रहेगी, यहीं पे सब लोग बैठेंगे, थाना लेवल पे भी निगरानी की? ये टीम डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में रहेगी, जो चार्ज अभी मेरे पास है तो रहेगी और उसके भविष्य में भी जरूरत को देख के और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी और जैसे जैसे क्राइम्स हमको मिलते रहेंगे हम टीम को एक्सपेंड भी करते रहेंगे। जैसे सीसीटीवी भी लगे हुए हैं सर, किस तरीके से मदद मिलेगी आने वाले समय में? अलग से टीम बन गई है, कैसे मॉनिटर करेंगे, कितनी जल्दी अपराध पे लगाम लग पाएंगे? देखिये, जल्दी ही इसमें केसेस को वर्कआउट करने के लिए टीमें लगी हुई है तो इसपे इनका एक ही मैंडेट है तो उसपे लोग काम करते रहेंगे। इसके अलावा हमने जितने भी सीसीटीवी लगा रखे हैं उन सभी की मदद मिलेगी, सर्विलेंस की मदद मिलेगी और जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी है वो सबको इस्तेमाल करके इनकी मदद लेकर ये चीज काम करेगी। आगे आने वाले दिन चुनाव भी आने वाले हैं और उन सबकी मद्देनजर भी ये टीम क्राइम पे लगातार काम करती रहेगी ताकि देश में और नोएडा में शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो स्ट्रीट क्राइम पर खासतौर पर लगाम लगाने के लिए नई टीम का गठन किया गया है जो कि डीसीपी क्राइम के अंडर काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।